नमस्कार, आपका स्वागत है 3 अप्रैल के करंट अफेयर्स में। इसे द हिंदू एंड अदर न्यूज़पेपर के एनालिसिस से तैयार किया गया है। सबसे पहले मुझे खेद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी देर से मिल रहा है। यूपी सरकार ने दर्जनों शहर के इंटरनेट को बंद करवा दिया था। इसकी वजह कल का प्रदर्शन और हिंसा थी। आज शाम को इंटरनेट कनेक्टिविटी हुई है, तब इसे अपलोड कर पा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। तमाम न्यूज़पेपर 2 अप्रैल के भारत बंद की खबरों से भरी हुई हैं, तो इसके लिए आपको जानने लायक है SC ST Act 1989, जिसके प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदल दिए। इस विषय पर डिटेल वीडियो उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से। क्वेश्चन होगा, SC ST Act 1989 को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका किस आधार पर दायर की है? तो आंसर होगा कि केंद्र को इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया था। दूसरा है कि कानून बनाना संसद और विधानसभाओं का काम है। SC ST अत्याचार निरोधक कानून 1989 भी संसद नहीं बनाया था। और तीसरा है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 3 तथ्यों के आधार पर ही कानून को रद्द कर सकती है, और वो है यदि मूल अधिकारों का हनन हो, कानून गलत बनाया गया हो, और यदि किसी कानून को बनाने का अधिकार संसद के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता हो। देखिए, सरकार का तर्क यह है कि कोर्ट यह नहीं कह सकता कि कानून का स्वरूप कैसा होना चाहिए, क्योंकि कानून बनाने का हक संसद के पास है। किसी भी कानून को सख्त या नरम बनाने का अधिकार भी संसद के पास ही है। अगला क्वेश्चन होगा, UGC के किस ताजा निर्णय के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी SLP दायर करने का ऐलान किया है? आंसर होगा यूनिवर्सिटीज में डिपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन की व्यवस्था करने की वजह से। इसमें क्या होगा कि अभी तक होता था कि विश्वविद्यालय में कुल पदों के आधार पर रिजर्वेशन की व्यवस्था होती थी, लेकिन अब डिपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन तय होगा। तो ये जो ऐलान है SLP दायर करने का, ये केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने किया है। ये द हिंदू न्यूज़पेपर सहित तमाम न्यूज़पेपर्स में ये न्यूज़ है। 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान ये मुद्दा बहुत ज़ोर से उठा था। सरकार अब बहुत प्रेशर में है और इसी का नतीजा है कि सरकार ने ऐलान कर दिया है। अगला क्वेश्चन होगा, पद्म भूषण सम्मान पाने वाला दूसरा भारतीय क्रिकेटर कौन है? आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। इससे पहले क्रिकेटर कपिल देव ही थे जिन्हें यह सम्मान मिला था। क्रिकेट के क्षेत्र में बात हो रही है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। और खास बात है कि महेंद्र सिंह धोनी ने राष्ट्रपति से यह सम्मान आर्मी के ड्रेस में लिया है। खिलाड़ियों की बात करें तो बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी को भी पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, नेल्सन मंडेला की पूर्व पत्नी और अश्वेतों के खिलाफ लंबे समय तक आंदोलन करने वाली मेडिकलेजा मंडेला का निधन कब हुआ? आंसर है 2 अप्रैल 2018। वो 81 ईयर की थी। दक्षिण अफ्रीका में श्वेत सरकार के खिलाफ आंदोलन में वह कई वर्षों तक जेल में रही। पति नेल्सन मंडेला जब जेल में थे तो बाहर की राजनीतिक गतिविधियां और परिवार को संभालने की जिम्मेदारी विनी के हाथों में ही थी। तो विनी ने सालों साल तक रॉबिन द्वीप में रहकर श्वेतों की सत्ता के खिलाफ अलख जगाए रखी, और इसकी वजह से उन्हें दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी की लड़ाई का प्रमुख चेहरा माना जाता है। विनी ने ही अपने पति नेल्सन मंडेला की रिहाई के लिए देश और विदेश में अभियान चलाया था। 27 साल तक जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला 1990 को जब जेल से बाहर आए, तब उनके वैवाहिक संबंधों में खटास शुरू हो गई थी। 1996 में दोनों का तलाक हो गया था। उनका वैवाहिक जीवन करीब 40 साल तक चला और 2 बच्चे हैं उन्हें। अगला क्वेश्चन होगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश के किन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में योग विभाग शुरू करने का फैसला लिया है? आंसर है विश्व भारती, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी और मणिपुर यूनिवर्सिटी। इसी घोषणा मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह ने लोकसभा में 2 अप्रैल को की है। अगला क्वेश्चन होगा, किस राज्य में 29 लाख विवाहित महिलाओं की नागरिकता की जांच शुरू हुई है? आंसर है असम। दरअसल वहां नेशनल सिटीजन रजिस्टर यानी NRC तैयार किया जा रहा है। इन 28 लाख विवाहित महिलाओं को ग्राम पंचायतों ने आवास प्रमाण पत्र जारी किए थे, लेकिन 31 दिसंबर 2017 को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसे प्रमाण पत्रों को नागरिकता का आधार नहीं माना जा सकता है। दरअसल मूल बात यह है कि आशंका है कि इनमें से बहुत सारी महिलाएं बांग्लादेश या म्यांमार से अवैध रूप से आई थीं और असम में उन्होंने शादी कर ली, तो इन सबको कैसे नागरिकता दी जाए, तो इसलिए ये जाँच चल रही है। अगला करंट अफेयर्स है, फेसबुक डाटा चोरी मामले में ब्रिटेन की कैम्ब्रिज एनालिटिका ने केंद्र सरकार के नोटिस का जवाब देने के लिए समय मांगा है।
केंद्र सरकार ने करीब 2 सप्ताह पहले नोटिस भेजा था उसे और 31 मार्च तक जवाब देने को कहा था। आगे है, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों और असम के 8 थाना क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी आफ्सपा की अवधि को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो गृह मंत्रालय ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। इन इलाकों को इस कानून के तहत अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। देखिए, 1958 में असम और मणिपुर के अशांत क्षेत्रों में हो रहे सशस्त्र बगावत से निपटने के लिए सशस्त्र बलों को विशेष शक्ति देने के उद्देश्य से एक अध्यादेश पारित किया गया था और इसे 11 सितंबर 1958 को कानून बना दिया गया और इसे कहा गया आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1958। और तब से आज तक ये कानून उत्तर पूर्व के 7 राज्यों असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में लागू रहता है और हर 3 महीने पर 6 महीने पर इसकी अवधि बढ़ाई जाती रहती है। आगे, चीन ने 2 अप्रैल को अमेरिका से आयातित करीब $3 अरब मूल्य के 128 उत्पादों पर नया शुल्क लगा दिया है। इन उत्पादों में पोर्क और फल भी शामिल है। चीन ने यह कार्रवाई अमेरिका द्वारा स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने के जवाब में की है। हालांकि अमेरिका ने इस फैसले की आलोचना की है और देखिए, अब माना जा रहा है कि दुनिया में ट्रेड वार बढ़ने वाला है। अभी कुछ दिन पहले ही यह खबर आई थी कि चीन के सुर जो है वो थोड़े नरम पड़ रहे हैं, लेकिन अमेरिका इस मामले में अडिग है। इसी वजह से चीन ने अब 128 उत्पादों पर नया शुल्क लगा दिया है। आगे है, केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO और कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC का एक दूसरे में विलय करने की रूपरेखा तैयार की है और जल्द ही इस संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा। तो ये था 3 अप्रैल का करेंट अफेयर्स। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ये कैसा लगा आपको। अगर वीडियो आपके काम का लगा तो लाइक बटन दबा दीजिए तुरंत और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, आप आज का इतिहास वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।